पार्टी प्रवेश कार्यक्रम के अध्यक्ष जी मंच पर आसन विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत पार्टी के नेतागण और सभा में सहभागी संपूर्ण आदरणीय जन समुदाय, विजयादशमी के महान पर्व प्रारंभ हो चुकल से विजयादशमी के अवसर पर अपने सबके सुस्वास्थ्य, शांति और समृद्धि के लिए मंगलमय कामना सहित अपने सबके शुभकामना देना चाहते हैं। और आई लंबा समय से कम्युनिस्ट आंदोलन में, कम्युनिस्ट आंदोलन के अर्थ हो जे श्रमजीवी वर्ग जे उत्पीड़ित वर्ग जे शोषित वर्ग वही वर्ग के मुक्ति और उत्थान के जे कार्य करे छे वह कम्युनिस्ट है छे। और कम्युनिस्ट पार्टी में रहकर जे सब देश और जनता के लूटे छे, भ्रष्टाचार करे छे, दुराचार करे छे, शोषित पीड़ित जनता के सतावे छे, ओकरा कम्युनिस्ट करे छे। कम्युनिस्ट और कम्युनिस्ट में यह अंतर होइ छे। ओना तो नेपाल में कम्युनिस्ट बड़ा मुश्किल से भेटे छे, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के साइन बोर्ड के नीचा में कम्युनिस्ट सबके बहुत बड़ा बोलबाला छे। वही बीच में गंगाराम जी के शोषित पीड़ित के जनता के लिए का काज करते थे, समाज के सेवा के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अन्य समाज के हित के कार्य में भी अपने के समर्पित व्यक्तित्व थे। और उनका जनता समाजवादी पार्टी में हम अपन तरफ से और पार्टी के तरफ से भी उनका पार्टी में हार्दिक स्वागत करी थी और बहुत बहुत बधाई। और आई निश्चित रूप में उनका प्रवेश जनता समाजवादी पार्टी का मधेशी मुक्ति के लिए मात्र नहीं, शोषित पीड़ित जनता, अच्छा है वो दलित हो या मुस्लिम हो या महिला हो या थारू हो या अल्पसंख्यक हो, जे शोषित और उत्पीड़ित उनकर मुक्ति के खातिर, उनकर हक अधिकार के खातिर आए मुल्क में कोनो भी पार्टी लड़ रहा है।
तो एक एटा जनता समाजवादी पार्टी लग निश्चित रूप में काय या बिगत में मधेसी जन अधिकार फोरम के तहत मधेसी जन अधिकार फोरम में विभिन्न पार्टी मिले आए का रूपांतर नया रूप में जनता समाजवादी पार्टी मधेस के जनता सैकड़ों वर्ष अधिकार विहीन मधेस के जनता सैकड़ों वर्ष अवसर विहीन पहचान विहीन अपमानित जीवन जीव के लिए बाध्य जब अपने सबके काठमांडू जाते रहिए पहले या आई ठाव के प्रशासन में जाते रहिए आप तो नहीं लेकिन पहले मरसिया मदी से धोती भाई बिहारी कहकर पुकारे पुकारे कि अपमान क्या लेते हैं द्वारा अपमान पूर्ण जीवन शोषित जनता के रूप में राज्य से उपेक्षित और बहिष्कृत समुदाय के रूप में शिक्षा और आर्थिक विकास के क्षेत्र में पछाड़ी वर्ग समुदाय के रूप में नेपाल में कोनो समुदाय रहे यह अच्छे तब मधेसी समुदाय ओकर पहचान दिलावा के रहे उनका स्वाभिमान और सम्मान के खाते शासन प्रशासन और भागीदारी के खाते लोकतांत्रिक प्रणाली में लोकतंत्र के प्रत्यावर्ती मधेसी जनता के करावा के खाते समग्र कहा जाए तब मधेसी पर जो शोषण शासन लादर गए ओकरा उखाड़ के फेंको के खाते ऐतिहासिक मधेस जन विद्रोह और वे मधेस जन विद्रोह से आज देश में बहुत बड़ा परिवर्तन अगर मधेस आंदोलन मधेस जन विद्रोह नहीं होते मधेसी के सपूत अगर बलिदान नहीं देने होते ऐ मुलुक में कोनो ताकत नहीं रहे जे राजतंत्र के उखाड़ के गणतंत्र लाइ सके रहे कौन ताकत कोई ताकत नहीं अगर मधेस जन विद्रोह नहीं किए सैकड़ों वर्ष देश में एकात्मक शासन प्रणाली एकल जातीय प्रभुत्व और वर्चस्व और आधिपत्य के उखाड़ के एकल नहीं देती अगर मधेस आंदोलन अगर मधेस आंदोलन नहीं होती है चाहे सरकारी सेवा में दलित के कोटा से अपनी चुनावों में से समानुपातिक से दलित के कोटा से दलित महिलाओं के कोटा से मुस्लिम कोटा से मधेसी कोटा से जनजाति कोटा से सरकारी सेवा में और जनता के प्रतिनिधित्व करने वाला निकाय में एक कोटा भी नहीं है यानी देश में जो आई परिवर्तन नहीं रही है आई ये मधेसी के हित में देश के जनता के हित में शोषित पीड़ित वर्ग के हित में जितना भी परिवर्तन मिले है वो देन मधेस जन विद्रोह मधेस जन आंदोलन के परिवर्तन और आए ऐ परिवर्तन में अपना सबके साथ ऐ परिवर्तन में आए प्रवेश आए पार्टी में प्रवेश करने और संपूर्ण साथी सबके ऐ परिवर्तन के आंदोलन के साथ जुड़ल साथी सबके हम संपूर्ण के स्वागत करबे चाहे अपने सबके प्रवेश से निश्चित रूप में ये आंदोलन और मजबूत होते मधेसी के साथ साथ शोषित पीड़ित जनता के अधिकार के लड़ाई और आगे बढ़ते
और स्वाभिमान और सम्मान और आगे बड़े जगह से आ सके। पार्टी अपने के योगदान, अपने के अनुभव, अपने के जनता के प्रति के समर्पण और सामाजिक राजनीतिक सामाजिक कार्य के योगदान का कदर करे। पार्टी अपने के सम्मान के साथ जिम्मेवारी दे रही है, अपने सबके दे रही है। मुलुक में आई बहुत बड़ा चुनौती थी, आई मुलुक चुनाव के निर्वाचन के स्थानीय तौर के निर्वाचन के बाद संसद और प्रदेश सभा के निर्वाचन के आई। निर्वाचन भी एक संघर्ष थी, दोसर के लिए चुनाव है, लेकिन जनता समाजवादी पार्टी के लिए एक संघर्ष। वो संघर्ष कभी के खाते आई मुलुक में विगत के आंदोलन से जो प्राप्त हुए उपलब्धि सब, राजनैतिक उपलब्धि सब, आई संघीयता से गणतंत्र से समावेशिता से आई जनता के मौलिक हक के स्थापना के लिए एक रक्षा करे के लिए ये चुनाव हमारा सबके लिए संघर्ष से कभी ले कि अभी भी मधेश के साथ या आदिवासी जनजाति के साथ शोषित पीड़ित जनता के साथ दलित और महिला के साथ आज भी देश में भेदभाव से ओकरा समाप्त करे के लिए ये आंदोलन एक संघर्ष, ये आंदोलन एक संघर्ष जे मधेशी जनता के ऊपर त्रुटिपूर्ण संविधान का लाढ़ल गए, संविधान के पुनर्लिखन कर के लिए, संविधान का संशोधन कराव के लिए, संविधान का परिवर्तन कर के लिए और जनता के हित में संविधान का रूपांतरण कर के चुनाव एक संघर्ष। इस चुनाव हो के लिए संघर्ष संविधान के बदले पुराना कानून के बदल के जनता के हित को उपयोग करने के साथ साथ और परिवर्तन बाकी से अखंड परिवर्तन के शुरुआत मिले परिवर्तन की बाकी से आई मुल्क में जो शासन प्रणाली थी जरा शासक के स्वरूप कहल जाए एक किस्म के संसदीय प्रणाली, इस प्रणाली के प्रयोग संसार के बहुत सारे मुल्क में भर चुका और नेपाल में भी भर रहा है। इस प्रणाली संसदीय प्रणाली नेपाल में राजनीतिक स्थिरता अनुशासन सुशासन और समृद्धि के ओर के यात्रा में बिल्कुल असफल रहे एक परिवर्तन कर अपने सबके निश्चित रूप में जिज्ञासा होते केहन परिवर्तन तो हम सब चाहे कि आप लटर पटर नहीं व्यवस्था में सुधार चाहिए। अहां सब संसद चुन के पठावे संसद एक हाथ से चुन के पठेगी काठमांडू में गला के बाद राजनीतिक सत्ता के खेल हुई से वही खेल में खासी बकड़ा के भाव में संसद सब बिके कोनो महंगा बने खासी बकड़ा के भाव में बिक गले कहियो हाथ है ओकर सरकार बन गए आ कहियो बिक गले वही सरकार का ढाई का दूसर के बने लोग फिर आए ये पार्टी में कल वही पार्टी में वही पार्टी और कुहले सरकार हो स्थिर रहे हमेशा इस प्रणाली के दोष प्रणाली का सुधार पड़ते और सीधे जनता के द्वारा निर्वाचित
कार्यकारिणी निर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्रपति प्रणाली है, ताकि संसद के खरीद व फरोख बंद हो जाए, सरकार 5 साल चले और विकास शांति और राजनीतिक स्थिरता बल पर दे सके। ते द्वारा हम सब कहे थे कि आप संविधान बदल जाए और जनते सोझे जनता के वोट से सरकार प्रमुख बनते, राष्ट्र प्रमुख बनते और वो अधिकार संपन्न रहते वो सरकार बनेते, ताकि सरकार में खाई को हम सब अभी परिवर्तन चाहते हैं। हम सब परिवर्तन चाहेंगे कि जय समुदाय के जते जनसंख्या से वही अनुसार नीचा से ऊपर तक प्रतिनिधित्व हो और सरकारी नौकरी में भागीदारी हो। हम सब चाहेंगे कि दलित के, महिला के, पिछड़ा वर्ग के अधिक आरक्षण होना चाहिए, अधिक राज्य के द्वारा लगानी होना चाहिए, ताकि कोई समुदाय में शिक्षा सरकार दे और अनिवार्य, स्वास्थ्य और आवास के प्रत्याभूति, स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगारी के प्रत्याभूति एक जिम्मेवारी राज्य के कर्तव्य से जाती है, ताकि वो समुदाय कालांतर में जाकर एक विकसित, एक सुसंस्कृत समुदाय के रूप में आगे आए। और हम सब दोसर परिवर्तन हम सब चाहे कि चुनाव के प्रणाली जो है ना बड़ा खराब से निपाल, ऐसा को पता है एक पालिका के बड़ा अध्यक्ष कते खर्चा करेगा, गांव में लड़े ला, नगर में लड़े ला, कते खर्ची लगाएगा ये किसान मजदूर के बेटा या बेटी, कतबो निक हुआ योग्य हुआ लेकिन ये महंगा चुनाव नहीं लड़ सके। जब ये महंगा निर्वाचन प्रणाली नहीं लड़ सके थे जे महानी विकृति से, तो फिर लोकतंत्र के कौन काम, लोक माने भले जनता, तंत्र माने भले ओकर शासन, लोकतंत्र का अर्थ होइ छे जनता के शासन। महंगा और विकृत निर्वाचन प्रणाली अंतर्गत जनता के शासन कभी नहीं हो सके, वही से शासन होइ छे धनाढ्य वर्ग, एक एलिट ग्रुप है से यानी खाता पीता वर्ग जे खर्चा कर सके वो कर, वे चुनाव जीते और वे ज्यादा शासन कर और वह सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वह कर। एक तरह के चुनाव प्रणाली का बदले के तब कहे केहन चुनाव प्रणाली लाव के, एहन चुनाव प्रणाली लाव के जैठा उम्मीदवार के भी एक पैसा खर्च नहीं हुई और पार्टी सबको भी एको पैसा खर्चा नहीं करा पड़े। जब एको पैसा खर्चे नहीं करा पड़ते तो हल जोत वाला, ठेला चला वाला, रिक्शा चला वाला, खेत में काम कर वाला मजदूर के भी बेटा बेटी देश के प्रधानमंत्री संसद मंत्री भ सके। वो प्रणाली से समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, ई प्रणाली दुनिया के 71 देश में प्रयोग हो रहा है, वर्षों 50 वर्ष सफल चल रहा है। जैठा वो 71 देश में चुनाव के समय में कोई खर्च नहीं कर पा रहा है, वो राज्य जो प्रचार प्रसार कल बात रखे ले दिल, लेकिन व्यक्ति अगर खर्च करे तो वह गैर कानूनी मानल जाए, पार्टी खर्च कल तो पार्टी प्रतिबंध हो जाए। ते द्वारे निर्वाचन प्रणाली में बदले बदलाव लावे के छे न्याय प्रणाली, गणतंत्र नेपाल में भी, संघीय गणतंत्र नेपाल में भी न्याय जो छे भेटे नहीं छे, न्याय हर बिकै छे। एकटा गरीब के बच्चा अन्याय में पड़ गेले
एठा से सर्वोच्च अदालत तक वो पहुंचे न पेते खर्चे न कह सकते और एना वो जेल में पड़ल। और दोसर लंबा समय न्याय में लगे वकील के फीस और दुनिया भर भरे वाला अहां सब मुद्दा लड़े वाला के मालूम अई तरह के न्याय प्रणाली में परिवर्तन कर के सुधार कर के ताकि गरीब किसान मजदूर के दलित और शोषित पीड़ित के बिना आर्थिक लगानी के न्याय समय पर भेट सके तब न न्याय होने ते वाले न्याय प्रणाली में भी बहुत बड़ा सुधार के लावत है। आई जरूरी है दलित महिला मधेशी लगाई के निम्न आय वाला वर्ग से पिछड़ा वर्ग ये शिक्षा के दृष्टिकोण से जो आर्थिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से पीछे पड़ल इन आय से छेबो नहीं करे वही जनता के लिए शिक्षा में पहले हम कहे शिक्षा में पढ़े ले बाल बच्चा के लिए रोजगारी और शिक्षा रोजगारी और स्वास्थ्य में संपूर्ण दायित्व राज्य के लेके प्रणाली के लिए लड़ाई लड़ा पड़े समाज समाजवाद के बात है समाजवाद पर महिला के अधिकार दिएना समाजवाद के काम दलित के गैर दलित के बराबर सम्मान और स्वाभिमान और भागीदारी दिएना और भेदभाव का काम खत्म करना है समाजवाद के काम समाजवादी की समाजवाद के लोग किसान के जीवन के परिवर्तन क्या करके विकसित कृषि प्रणाली में रूपांतरित करना है और किसान के ऊपर जो शोषण शासन से होकर खत्म करना ये समाजवाद समाजवाद की चीज क्या आई देश में लाखों लाख बेरोजगारी से गरीबी से अभाव शिक्षा नहीं पा सके थे इलाज नहीं करा पावे थे पढ़ निकलने के बाद नौकरी नहीं लग रहा है एक उपलब्ध करना भी समाजवाद और देश में कांग्रेसों अपना के समाजवाद कही से कम्युनिस्टों से अपना के समाजवाद ये कही से लेकिन आई क्षेत्र में कोनो कार्य नहीं करती ते द्वारा ये सब समाजवादी नहीं थे ये एक ढोंग थी ढोंग ये नकली समाजवादी की बात कर रहा है ते द्वारा असली समाजवादी लक्ष्य प्राप्त के लिए आई जनता समाजवादी पार्टी अगाड़ी बढ़ रहा और एक शासन ये राजनीतिक मुद्दा सबसे एक साथ साथ आर्थिक सवाल भी थे नेपाल में गरीबी और बेरोजगारी का अंत करे के लिए सबसे पहले आवश्यक थे कि सबके आधुनिक शिक्षा दी और कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करल जाए औद्योगिकरण अगर कृषि क्रांति के जरूरी से कृषि के क्रांति संपन्न करके कृषि के आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण करल जाए तो नेपाल में कोई भी गरीब और बेरोजगारी नहीं रहते गरीबी बेरोजगारी का अंत करे के लिए कृषि के आधुनिकीकरण और मुल्क के औद्योगिकरण करे के आवश्यकता है। लेकिन विगत में कांग्रेस कम्युनिस्ट के लंबा राज रहे सारा उद्योग धंधा प्राइवेटाइजेशन के नाम पर निजीकरण के नाम पर बेच का बर्बाद कर देंगे कमीशन के खाते जो एक जनकपुर कारखाना चले थे कम से कम लाखों लोग रोजगारी चले थे वो बंद भ गए बिरजन चिन्ह कारखाना बंद भ गए की कहते कृषि औजार कारखाना बंद हो गए भैरवा के कपड़ा उद्योग बंद भ गए टोड़ा कपड़ा उद्योग सब बंद भ गए सारा उद्योग धंधा चौपट कांग्रेस कम्युनिस्ट के राज हो की काम उद्योग धंधा चौपट क्या कर गरीबी और बेरोजगारी बढ़ सक घट सके समाप्त रह सके कभी नहीं होती
कई द्वारा उद्योग धंधा व्यवसाय चौपट वाला के चलता आज लाखों लाख युवा युवती सब कतार मलेशिया और जाकर रोजगारी के तलाश में भटक रहा है। और एक चीज का अंत करे के थे उद्योग सब का पुनः संचालन करे के थे नया उद्योग सब के औद्योगिकरण करके थे मुलुक का कृषि का आधुनिकरण करके थे ताकि गरीबी और बेरोजगारी समाप्त हो जाए। धरती पर सबसे बड़ा रोग थी गरीबी। अगर आदमी गरीब थे और बेरोजगार थे तो जीवनों व्यर्थ हो जाए। कोई गरीबी और बेरोजगारी का समाप्त करके कार्य आए बहुत लंबा समय में भी कांग्रेस और कम्युनिस्ट नहीं कर सकल के और यो अभिवारा पूरा करके थे जनता समाजवादी पार्टी के करे पड़ते तो द्वारा हम कहते चुनाव एक बड़का संघर्ष एक साथ साथ समाज में व्याप्त और शिक्षा अज्ञानता कुरीति विकृति सब भरल कोई के अंत कर राजनीतिक आंदोलन के साथ साथ सामाजिक आंदोलन के भी आगे बढ़ावा के सामाजिक परिवर्तन के भी जरूरी थी। हर राजनीतिक आंदोलन के लक्ष्य हो राजनीतिक अधिकार के प्राप्ति के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन और पिछड़ल समाज से विकसित समाज के रूप में निर्माण करना रूपांतरण करना वही के लिए विगत में कोई काज नहीं रह सकेगा वो काज करने की आवश्यकता है। तो हम संक्षिप्त में कहने चाह रहे तमाम अधिकार अवसर और निर्माण के खातिर की कर संसद का प्रयोग कर संसद का माध्यम बनाओ पड़ते ताकि संसद के द्वारा कानून बना करके संविधान का संशोधन क्या करके एक कार्य का संपन्न करी के द्वारा हम कहो कि चुनाव दोसर के लिए किस और से लेकिन जनता समाजवादी पार्टी के लिए संघर्ष से चुनाव और चुनाव के संघर्ष के रूप में लाकर सामना कर आई मुलुक में अखन पांच दल के गठबंधन गठबंधन निर्माण करो के महत्वपूर्ण भूमिका जनता समाजवादी पार्टी के लिए तब मान ले जब मुल्क में संघीय गणतंत्र खतरा में पड़ गए जब दो दो बार असंवैधानिक तरीका से संसद के भंग करके एक तरह के निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन लाभ के प्रयास कल गए ते समय में लोकतंत्र के रक्षा के लिए जनता के अधिकार के रक्षा के लिए गठबंधन निर्माण कल गया और प्रतिगमन जरा कहे लोकतंत्र विरोधी ताकत सत्ता से उखाड़ फेंकल गए आई गए कि भाई मिलकर चुनाव लड़ी बराबर जनता समाजवादी पार्टी हमें तुम्हें कहो हर क्षेत्र में हर जगह अकेला चुनाव लड़े के लिए सक्षम छा ककरो पैसा दी के सहारा नहीं चाहिए। हाँ अगर मधेसी जनता के अधिकार का सम्मान करे शोषित पीड़ित जनता का अधिकार किए के प्रण करे जो अगर सीट के तालमेल है तो वे के लिए भी जनता समाजवादी पार्टी खुला है और अखन तक कोनो तरह के तालमेल संपन्न नहीं हुए। बहुत हवा से फलना सीट फलना का पड़ गए फलना पर अखन तक किछो नहीं हुए लेकिन हम सब खुला मिलकर लड़ू या अकेले अकेले लड़ू मैदान में लड़े के लिए जनता समाजवादी पार्टी सक्षम से तैयार और लड़ कर देखे थे। और इस क्षेत्र में भी पार्टी का आवे वाला दिन में उम्मीदवार देवे करते अपने सबके अधिकार हित के काम करे वाला उम्मीदवार देती
लेकिन उम्मीदवार क्यों भी हो, जनता समाजवादी पार्टी और छत्ता छाप विजय हेरे सोच के साथ गिरजन और गांव गांव टोल टोल में जनता समाजवादी पार्टी और छत्ता छाप के विजय बनाव के अभियान में जुटल जाए और जनता समाजवादी पार्टी के विजय मधेस के भविष्य आई कल जरा बिहारी धोती भाई के जो पानी चित्र मधी से करे आए ही धरती पर नेपाल में मधेस राज्य के जन्म लेले मधेस प्रदेश के जन्म लेले। अगर जनता समाजवादी पार्टी नहीं रहते तो मधेस प्रदेश नहीं बनती बनती कि नहीं बनती। आप काम से बनल मधेस प्रदेश का एक ब्रिक्सी कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क यातायात के क्षेत्र में एकटा विकसित मधेस प्रदेश के निर्माण आर्थिक और राजनीतिक रूप से परिश्रम में पड़ा वही जनता के अधिकार भी देश भर के जनता के पड़े। तई द्वारा मधेस या जनजाति या शोषित पीड़ित जनता के या देश के विकास और भविष्य के आधार जनता समाजवादी पार्टी से जनता समाजवादी पार्टी के विजय के अर्थ हो मधेसी लगाए शोषित पीड़ित जनता के अधिकार का संपन्न बनना और देश में आर्थिक समृद्धि सुशासन और जनता के न्याय दिलाना अभी कार्य में जुटल जाए। बस ये कहे देरो भी बहुत हो चुके हैं अपने सब संविदा चाहे आयोजक जी के बहुत बहुत धन्यवाद। जय मधेस जय मातृभूमि धन्यवाद।